नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर डोसा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में उतना ही आसान। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं टमाटर। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैं रफली चॉप कर लूंगी। तो इस तरह इसे हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। तो टमाटर का जो कलर है हमें अच्छा लाल देखकर लेना है, तभी हमारे डोसे का कलर लाल आएगा। तो इस तरह तीनों टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है 2 हरी मिर्च, वो भी हम इसमें कट करके डाल देंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे हमारे जो डोसे का कलर है और बढ़ जाएगा। और इसे हमें इसकी प्यूरी कर लेनी है। तो आप देख सकते हो इसकी प्यूरी बनके रेडी हो चुकी है। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब हम एक बाउल लेंगे, जिसमें ये प्यूरी निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 1/2 कप, उसी के साथ बारीक वाली सूजी 1/2 कप और 1/4 कप गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। एक टीस्पून जीरा और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने मिक्सर के जार में ही पानी डाल लिया था, तो वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह। अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह आपको लाल मिर्च थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। या आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आपको उस हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड करनी होगी। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसमें पानी ऐड करते जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने टोटल कितना पानी इसमें ऐड किया है। मैंने अब तक 3 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। हमें बिल्कुल वाटरी इसका बैटर चाहिए। अब हम इसे ढककर 15 मिनट रेस्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसे डोसे बनाएंगे। इसे रखे हमें 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो इसे अच्छे से पहले हिला लेंगे इस तरह। अब इसमें हमें ऐड करना है धनिया, कटा हरा धनिया। उसी के साथ यहाँ मैंने 1 बड़े साइज का ऑनियन लिया था, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक फाइन चॉप करना है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर ये अभी भी हमारा थोड़ा थिक है, तो हम और 1/2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटरी है। तो इसके लिए हमने
3 कप पानी का यूज किया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और डोसे बनाएंगे। यहाँ मैंने डोसा बनाने के लिए पैन रख दिया था, जो डोसा तवा होता है वो, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हमें इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, टिश्यू से या आप कपड़े से भी कर सकते हो। इसे अच्छे से पोंछ लेना है। गैस की फ्लेम हाई हमने रखी है और फिर ऊपर से थोड़ा सा इसे पानी छिड़कना है और फिर से एक बार इसे पोंछ लेना है। अब जो बैटर हमने बनाया है उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इस तरह से डाल देना है। अब गैस की फ्लेम हमें लो से मीडियम रखनी है। तो आप देख सकते हो इसमें जो जाली बनी है बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब इसे हमें इसी तरह पकने देना है। गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखनी है। जब इसका ऊपर का पानी सूख जाए तब हम इसमें घी, तेल या बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो पानी हमारा सूख चुका है, अब हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह बटर या ऑयल भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है साइड साइड से और यहाँ बीच में, और इसे पकने देते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये अंदर से ब्राउन होने लग गया है। अब हम इसे इस तरह साइड से निकाल लेंगे। ये आसानी से निकलता है। अब हम इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें दूसरा डोसा डालेंगे। उससे पहले हमें इसे थोड़ा सा पानी डालना है और इसे अच्छे से टिश्यू से या कपड़े से फोल्ड लेना है इस तरह। इसे क्लीन कर लेना जरूरी है। अब इस पे हम डोसे का बैटर डालेंगे। तो बैटर को फिर से एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाटरी होने की वजह से जो हमारा सूजी और चावल का आटा हमने इसमें यूज किया है वो नीचे जाता है, तो इसलिए इसे जब भी आप डोसा बनाओ इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और फिर बिल्कुल पतला पतला इसे डालना है। और फिर से गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और उसे कुक होने देंगे। तो इस तरह हमारा क्रिस्पी जालीदार डोसा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।